लोग कहते नहीं प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, ये भगवान का क्या है खेल है, ये भगवान का क्या है जोर से ये खेल है। और खेल किसके लिए होता है, आनंद के लिए। हम जब भी कोई भी खेल खेलते हैं तो वो खेल आनंद देता है सुख देता है, उसी तरह भगवान अपने आनंद अपने सुख के लिए ये संसार बनाते हैं उत्पन्न करते हैं पालन करते हैं और संहार सब आनंद है। जन्म लेना भी आनंद है, जीवन जीना भी आनंद है और मर जाना भी आनंद है। इसलिए हमारे यहां जब कोई मर जाता है तो मुर्दे के आगे आगे बाजा बजते जाते हैं बैंड बाजे। आप लोगों के यहां ये परंपरा है या नहीं? नहीं है। हमारे यहां मरने पर भी बाजे बजते हैं, मुर्दे के आगे आगे बाजा बजते जाते हैं। आप में से कितनों के यहां ये परंपरा रिवाज है कि मुर्दे के आगे आगे बाजे बजते हैं? नब्बे % रिवाज है ये। क्यों? क्योंकि हमारे यहां मरने को भी वो भी एक उत्सव है, वो भी मृत्यु भी एक उत्सव है। मरने वालों पर वो लोग रोते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, वरना हमारे भारत में तो कोई मर जाए तो ये उत्सव है कि भाई आया था यात्रा पूरी हो गई अपने घर वापस चला गया, उत्सव है ये। रोना धोना तो अज्ञानता का परिचय है, ये मर गए तो चलो रोते हैं। इसलिए मुर्दे के ऊपर साज में बाजे बाजे बजते जाते बिंदास। तो हमारे यहां एक खेल है भगवान का, ये रचा हुआ खेल। लोग कहते, लोग नहीं कहते तुम हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हो, उसी तरह भगवान ये संसार खेल के लिए बनाए थे। आपको एंजॉय करना चाहिए आनंद से जीवन को, हंसते मुस्कुराते रहना। आप लोगों ना टेंशन पाल लेते हैं, ऐसा वैसा ऐसा क्यों वैसा, अरे आनंद जिंदगी थोड़ी है, हंसते मुस्कुराते कट जाए, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। थोड़ा इतनी भी टेंशन नहीं है जीवन में जितना आप लोग लोड लेकर बैठे। जीवन इतनी भी उलझी नहीं है, जिंदगी इतनी भी उलझी नहीं है जितना आपने उलझा लिया है। अरे मस्त रहो खुश रहो, जो है ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं।